डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी में। यहाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंतजार के बाद नवोदय विद्यालय ने अपने जो इतनी डेट बदलने के बाद में अपनी डेट जारी कर दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके जो बिल्कुल देख पा रहे हैं अभी नोटिफिकेशन पे उन्होंने बिल्कुल जारी कर दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है किस तरह नवंबर दिसंबर में लगने जा रहा है। तो अब पर फ्रेंड, उसके लिए आपको क्या करना है, अब क्या करेंगे, इन्होंने डेट जस्ट नवंबर के अंदर दे दी। फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल नवंबर ही चल रहा है और नवंबर के अंदर डेट आ चुकी है। अब हमको आगे किस तरह तैयारी करनी है, हमारे पास क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस है हमारे पास, कितना टॉपिक पढ़ के जाए, क्या प्रिंसिपल के टॉपिक्स हैं। फ्रेंड्स, पिछली बार हमारी क्या कट ऑफ रही थी, वो हम सारे टॉपिक अभी डिस्कस करके हम पूरा एक रणनीति बना लेंगे कि नवंबर में हमको किस तरह पेपर क्लियर करके जाना है। पर फ्रेंड्स, थोड़ी सी अपन देख लेते हैं, जिस तरह नवोदय विद्यालय ने अपनी जो वैकेंसी 10th पास डिग्री पास की जो वैकेंसी उन्होंने हायर की थी, आप देख सकते हैं TGT PGT प्रिंसिपल की। तो फ्रेंड, आखिर नवोदय विद्यालय ने अपनी जो चुप्पी तोड़ दी है। आप 1 जुलाई से 9 जनवरी को भरे, लास्ट डेट 29 जुलाई को था, फीस 29 जुलाई खत्म हुई थी, एग्जाम डेट आपकी 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में इन्होंने कर दी है। और फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड आपके नवंबर में ही आएंगे, आप मान सकते हैं 7 डेज के अंदर आपके पास ये एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फ्रेंड, आंसर की आपके दिसंबर में आ जाएगी, मान के चलिए अगर दिसंबर, अगर 1 दिसंबर तक पेपर खत्म होते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास 10 दिसंबर से पहले पहले मार्कशीट आ जाएगी और आपके जनवरी के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मान के चलिए जो आपके मार्च या जो अप्रैल आएगी 2023, इसके अंदर आपके जो बिल्कुल जो टीचर्स हैं उनकी पोस्ट पर आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ प्रिंसिपल की, टीचर की, आपकी जो भी आपने वैकेंसीज अपने फॉर्म भरे थे। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल के डालिए कि आपको आपके फॉर्म जो आपने भरे थे उसमें कोई एरर तो नहीं, आपके पास एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, अगर नहीं आता तो अपन जरूर इस पर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है, क्या पता अपने पास अपनी मेहनत सक्सेस हो जाए। ओवरऑल आपका किस तरह चलेगा फ्रेंड्स, आपका रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, मेडिकल होगा, पर इंटरव्यू आपका लाइब्रेरियन का नहीं होने वाला, ये सिर्फ किसके होंगे, TGT PGT और आपके प्रिंसिपल के इंटरव्यू चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका पूरा देख सकते हैं, इनका जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो यही आया, 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये अभी इनकी कोई आंसर की नहीं है, अभी कोई है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे मेरे चैनल पे आपको या यूट्यूब के ऊपर आपके पास डेली पल पल के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपन चलते हैं कि भाई हमको तैयारी किस तरह करनी है, पेपर का, एग्जाम का पैटर्न क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा है, बिल्कुल टाइम पे गया है। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अभी आपको सिंपल उसी चीज पे हमें फोकस करना चाहिए जहां पे हम नंबर ले पाए। 3 घंटे का पेपर लगने वाला है और 150 क्वेश्चन और 150 नंबर है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसके अंदर हम इजीली क्रैक कर लें। फ्रेंड्स, सबसे अच्छा अपना टॉपिक है 3 घंटे में कवर करने वाला, वो फ्रेंड्स आपका आता है रीजनिंग है नंबर एबिलिटी, उसी तरह आता है जनरल अवेयरनेस। फ्रेंड्स, आपके 40 नंबर आपके कोई नहीं छीन सकता, रीजनिंग और जो होती है इसमें काफ़ी ईजी होता है, 10 के 10 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस फ्रेंड्स अगर आप कहेंगे तो आपको मैं पूरी 2 मंथ्स की 2 मंथ्स का पूरा वीडियो बना के दे दूंगा। पर फ्रेंड्स, मैं वो तब बनाऊंगा कि जब मेरे पास 1000 लाइक या 1000 रिक्वेस्ट आएगी। फ्रेंड्स, यकीन मानिए मेरे पास बेस्ट बुक है जिसके अंदर पूरा इसके अंदर नोट्स है, पर वो फ्रेंड बुक भी कौन सी कोचिंग की है, किसी कारणवश मैं उसको यहाँ नहीं डाल सकता क्योंकि मैं एक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप कहेंगे तो आपके 20 क्वेश्चन मैं ऐसे कवर कर दूंगा। फ्रेंड, उसके बाद आते हैं आपके पास जो आपकी लेटेंसी इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये भी 20 ये आपका पास मिड पे डालूंगा क्योंकि इंग्लिश हमारी इतनी थोड़ी अच्छी नहीं होती है, हम थोड़ी सी मात दे लेते हैं। एक होता है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट। फ्रेंड्स, एक ये आपके पास आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फर्स्ट आपका रीजनिंग, सेकेंड आपका हो जाएगा इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, थर्ड आपके पास टॉपिक हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एकेडमिक रेजिडेंसी टॉपिक। फ्रेंड, एक आपका ये भी टॉपिक है पर आपका मीडियम। फ्रेंड्स, अगर हम इन 3 टॉपिक पे आराम से जोड़ दें तो फ्रेंड्स आप 150 के अंदर आप इजिली टू इजिली आप 100 का स्कोर कर लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए जैसे आपके 50 ये हो गए 90, और फ्रेंड्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम बिल्कुल इसकी बुक इसकी फ्रेंड एक बुकलेट आती है, याद रखना इसकी बुकलेट आएगी, एडमिनिस्ट्रेटर एंड फाइनेंशियल प्रोसेस, बिल्कुल रूल्स है इंडियन गवर्नमेंट के,
ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50 पन्नों की बुक है फ्रेंड्स। इसको आप पढ़ के चले जाना, आपके आपके 100 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, आपको दिमाग में बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, आपको अपना बिल्कुल स्ट्रेटेजी रखनी है, आप इस पे जोर दीजिए, इस पे जोर दीजिए। और फ्रेंड इस पे तो को थोड़ा सा अपने का इंग्लिश होती है अपन मार्क खा जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको एक इस पे जोर देना है और एक आपको इस पे, फ्रेंड्स आपका पेपर क्लियर है। टॉपिक अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट में आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अब फ्रेंड्स बात आती है आपके पास पीजीटी, पीजीटी वही 3 घंटे का होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है वही, इसमें इंग्लिश फ्रेंड्स में इंग्लिश का आपको मैं कम बोल लूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरी भी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, पर हाँ मैं ऐसे नहीं कि अपन इंग्लिश में कमजोर होते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी अपने एंटोनिम्स सिनोनिम्स कुछ एक ऐसे एरर स्पॉटिंग्स होते हैं जो अपने को डाउन कर देते हैं, हिंदी हम स्कोर कर सकते हैं। एक आपका जनरल अवेयरनेस फ्रेंड्स ईजिली टॉप होगा आपके लिए, बहुत बुक है, आप मेरे को बोलना मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा, सिर्फ 2 मंथ्स की पढ़ के जाना फ्रेंड्स, आपका पेपर क्लियर है। रीजनिंग एबिलिटी ये टॉपिक कंप्यूटर लिटरेसी सबसे इजी टॉपिक पे आएगा पेडोग्राफी फ्रेंड्स, इसके बारे में मेरे कोई नॉलेज नहीं है, इसके नोट्स का बांटना और कंसर्न टीचिंग ये फ्रेंड्स आपके टॉपिक्स होते हैं, इसके आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आप कोई भी एक किसी भी कोचिंग का सैंपल पेपर्स पे आपने क्वेश्चंस करिए, आपको इसके लिए कुछ भी लेटेस्ट चीज़ नहीं पढ़नी, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर है, आपको कोई नहीं हिला सकता, सिर्फ आपको इस पे जोर देते हुए जाना है। तो अगर फ्रेंड्स आप, मैं मानता हूँ 80 में से अगर आप इसके अंदर 60 भी नहीं अगर 50 भी क्वेश्चन कर देते हैं तो, और फ्रेंड्स आपके ये इंग्लिश भी छोड़िए, आप इंग्लिश कभी नहीं मानता, जनरल अवेयरनेस फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ 2 महीने की टॉपिक कर जाना, पेपर इसी में सी, और ये प्लस आपके 20 नंबर मेरे ख्याल से कहीं नहीं जाएंगे और 70 तो आपके एज इट इज आ रखे फ्रेंड्स। थोड़ा इंग्लिश हिंदी में हम इतने भी बिल्कुल गोबर नहीं है तो हम कर सके फ्रेंड्स, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेसी क्वेश्चन करके आना, मेरिट इतनी हाई नहीं जाती है, हम कट ऑफ इसके वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरह फ्रेंड्स बात आती है टीजीटी, सेम प्रोसेस हमें वही रखना है फ्रेंड्स से ही, पर इसमें बीएड वाला पेपर नहीं आ रहा है, इसमें फ्रेंड्स क्या आएगा इंग्लिश हिंदी आएगी, आपने को वही हिंदी पे थोड़ा सा जोर दे देना है फ्रेंड्स। याद रखना आपके इसमें थोड़े से जो वर्ड के जो तोड़ने के मिलाने के होते हैं ना, वो थोड़ा सा हिंदी देख लेना। एक आपके पास जनरल इसकी फ्रेंड्स बुक है, इसमें 40 नंबर्स हैं, मैं फिर बोलूँगा 2 मंथ्स की, ज़्यादा दिक्कत हो तो 3 मंथ्स की कर जाना फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, अगर आप 2 दिन के अंदर भी टिक के करोगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये कोचिंग में अवेलेबल होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी 40, मैं कहता हूँ फ्रेंड्स ये फुल मार्क्स होते हैं अगर, ये तो बहुत ईजी। एक कंप्यूटर लिटरेसी आपके 10 मार्क्स, एक आपका पेडागोजी, ये मुझे नहीं पता क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये मैं टीचिंग सब्जेक्ट्स का नहीं हूँ, पर फ्रेंड्स आपके ये इजीली आप टॉपिक क्लियर करते हैं, 40 40 मतलब आपके 90 मार्क्स आपके 150 में आ जाएंगे फ्रेंड्स, कट ऑफ इतनी नहीं जाती है, 70 मुश्किल से कट ऑफ जाती है। उसके बाद आपके हिंदी इंग्लिश भी रहेंगे, आप इजिली कर सकते हैं, इसका भी हम पूरा आगे हम डिस्कस करने वाले। अब फ्रेंड्स चलो अपन आ ही गए तो पूरा इंग्लिश और मैथमेटिक्स को पूरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश में कभी भी हो तो अपने फिल इन द ब्लैंक्स को देखा जाए, अनसीन पैसेज देखे जाए, वोकैबुलरी देखे जाए फ्रेंड, एंटोनिम सिनोनिम कभी भी ना छेड़ना फ्रेंड, एरर करेक्शन हो जाते हैं, आर्टिकल्स हो जाते हैं, ईडियम फ्रेसेस भी मैंने, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। आपको ये टॉपिक देखना है, ये सारे टॉपिक आपके पास है, एडवर्ब भी देख लो, एक बार वॉइस भी देख लो फ्रेंड, टेंसेस भी हमारे पास काफ़ी इजी होते हैं, कंप्रीहेंसिव पैसेज अनसीन पैसेज वही आ गए। आपको ये टॉपिक देखना है इंग्लिश में, आप 1 से 2 क्वेश्चन तो ईजिली, 1 से 2 क्यों फ्रेंड, मेरे ख्याल से तो 5 क्वेश्चन आप ईजिली करके आओगे। अब आते हैं आपके पास ये रीजनिंग मैथमेटिक्स वाली फ्रेंड, रीजनिंग में अर्थमेटिक सीरीज नंबर बहुत सिंपल है, स्पेसिफिक लॉजिक ऑब्जर्वेशन फिगर्स रिलेशनशिप अर्थमेटिक रीजनिंग नॉन वर्बल सीरीज एनालॉजी डिस्क्रिप्शन वर्बल विजुअल मेमोरी सिमिलरिटीज कोडिंग डिकोडिंग फ्रेंड, सबसे इजी टॉपिक मैं इन्हीं को ही मानता हूँ इजी, इनमें से आपके किसी में 40 का है आपने टीजीटी के अंदर देखा, उसी तरह आपने 20 नंबर का आपने देखा पीजीटी और आपका 10 नंबर का देखा फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, इसमें गलती मत करना, ये आपके स्कोरिंग मार्क्स है। सेकंड अब आते हैं फ्रेंड्स आपके पास, मैंने कहा आपको पढ़नी है जीके, जीके के अंदर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पर इंडियन हिस्ट्री के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, वो भी आफ्टर क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस पढ़ के जाने, वो ये भी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ध्यान रखना हिस्ट्री में आप इसमें जो करंट अफेयर्स में वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके मुद्दे उठे हैं 2 महीने के अंदर फ्रेंड्स, आप उनको पढ़ गया, बुक्स के बारे में पढ़ना है, नेशनल इवेंट अवार्ड्स बिल्कुल सही, बजट्स नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जनरल पॉलिटी पढ़नी पड़ती, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल वही सारे आ गए, इंडियन इकोनॉमी आ गई है, आपके ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड स्पोर्ट्स हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स, ये मेरे पास बुक पड़ी है जिसमें आपके पास 2 मंथ्स का पूरा टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ बाहर से नहीं आने वाला,
अगर आपको लगे कि मेरे को इस पर सब्जेक्ट बनाना चाहिए, फ्रेंड्स प्लीज मेरे को जल्द से जल्द मेरे को 1000 वीडियो पे मेरे व्यूज या लाइक्स आएंगे तो ही मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मैं फ्रेंड्स नहीं बनाने वाला। पर फ्रेंड्स आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, कोचिंग वालों के पास एक अच्छी बुक होती है जो 2 महीने की, बिल्कुल इनसे बाहर कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। फिर फ्रेंड्स आपके पास कुछ मैथमेटिक्स का आता है, नंबर सिस्टम, सिंपल टाइम एंड वर्क, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीएफ प्रॉब्लम, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड रेशियो। फ्रेंड ये थोड़ा टाइम ले देंगे, मैं कर दूंगा उसको, फिर भी आप छोड़ देना। आपके लिए सिंपल टॉपिक नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, डेसिमल्स होते हैं, एवरेज भी थोड़ा सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा छोड़ देना, एचसीएम ये एजीज वाले सिंपल होते हैं, मिक्सचर वाले फ्रेंड सारे ट्रिक बेसिस क्वेश्चन हैं, टाइम एंड डिस्टेंस कर लेना, परसेंटेज कर लेना, रेशियो प्रोपोर्शनल। फ्रेंड ये भी टॉपिक काफ़ी ईजी है, आप इसको चाहो तो 5 डेज के अंदर मैथमेटिक्स आप पूरी आराम से कर सकते हो। अब फ्रेंड्स बात आती है, देखिए ये तो उसके थे जनरल टॉपिक, और फ्रेंड उसके बाद जो आपकी पीजीटी टीजीटी के जो सब्जेक्ट है वो आपको खुद को ही देखने पड़ेंगे। अब फ्रेंड इसके बाद आते हैं आपकी सैलरी, सैलरी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली, पीजीटी वाले की भी सैलरी 47,000 से लेवल 8 है, प्रिंसिपल की तो वाह माशाल्लाह वेरी गुड, इक्वलेंट टू आपके पास जो कहते हैं ना लेक्चरर के बराबर आपकी सैलरी होने वाली है। अब फ्रेंड्स अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर, अब फ्रेंड देख सकते हैं अगर 8 टीचर हैं तो अनरिजर्व उसकी 118 गई थी, ओबीसी की 112 गई थी, एससी की कितने नहीं है 96 और पीएच की 103। अगर फ्रेंड्स आप पीटी को देखेंगे तो 90, 84, 83, 75, 70 पी, टीजीटी पीटी 103, 97 और आपका 83। उसी तरह म्यूजिक टीचर का 111, 101, 102, 102, 183, 85। फ्रेंड्स ये आपके पास वो है जो कि 8 नहीं होते। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बायोलॉजी वालों के 116 थी, ओबीसी 110, एससी 103, एससी 90, 168 चल रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप पीजी हो जाते हो तो 100, 95, 89, 64, 86। मैथमेटिक्स में आप देखते एस टी 71, 91, 102, 109 और 93। फ्रेंड्स आपका इकोनॉमिक्स में 122, 112, 110, तो फ्रेंड्स आप सारे आप देख सकते हैं, मैं सब क्या बताऊँ आपके सामने सारा है। ये इस कट ऑफ से आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह आपको अपने स्कोर करना है, आपको किस तरह आपको पढ़ते हुए जाना है। फ्रेंड्स अपना बिल्कुल एक अपना स्ट्रेटेजी बना के रखना, खुद की स्ट्रेटेजी बनाना, किसी की फॉलो नहीं करनी। अभी अपने पास काफ़ी टाइम है और आप मान के चलिए 1 महीना है, अगर हम एक एक सब्जेक्ट को भी अगर एक एक दो दो तीन दिन भी दें रिवीजन में हम सब कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी नाताश होने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स आती है आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। डाउनलोड के लिए फ्रेंड्स आपको जाना पड़ेगा अपने न्यू हमारे उस पर आओ, उस पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी, आप उस पर क्लिक करके जाइए। जैसे आपसे क्लिक करके जाएंगे फ्रेंड्स आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऊपर ही ऊपर आ रहा है, आप इसको जैसे भी क्लिक करेंगे आप इस पर जाके पढ़ सकते हैं। इनका तो टीजीटी का जो आपका आउट का फ्रेंड्स सारी चीज़ के अंदर मेंशन है, अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ और देखनी हो आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन के ऊपर आप जाएंगे फ्रेंड्स आप इजीली देख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल नोटिफिकेशन आ रखा है एग्ज़ाम डेट का, बिल्कुल फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आपको जो करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपके आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आए, होपफुली फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने अब तक सारी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने फ्रेंड्स दे दी होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप आइए और आप हमको उसके अंदर बिल्कुल बताइए, हम आपके लिए उसके जरूर से जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स बिलीव मी मेरे पास अच्छे जीके नोट्स हैं, मैंने कोचिंग के अंदर पढ़ रखे हैं और हम उसको डेली पढ़ते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। सिर्फ आपको 2 मंथ्स की करके जानी, ज़्यादा नहीं, अगर आप फिर भी ऐसा डाउट होता है तो 2 मंथ्स की और कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं टाइम नहीं है, तो 2 मंथ्स लेटेस्ट करके जाइए। और फ्रेंड्स आपको अक्टूबर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी हो सके नवंबर की तक की करके चले, नवंबर की मत पढ़िए, अक्टूबर तक की, सितंबर और अक्टूबर पढ़ लीजिए, हो सके तो 10 तारीख तक की और पढ़ लेना, क्योंकि फ्रेंड उसके बाद आने की कोशिश चांसेस कम होते हैं। तो आप इतना अच्छा करिए, अगर फ्रेंड फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको मेरे से कोई और कुछ टॉपिक पे कुछ बनवाना हो तो प्लीज़ आप मुझको आइए बताइए, हम उसको जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग तैयारी पर जोर दीजिए, मैं कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तब हम फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय, जय भारत, वंदे मातरम।